सियोरी में अवैध खनन परिवहन जारी। अवैध खनन मामले में सियोरी एवं नगारा ने पहना नंबर एक का ताज। पनवाड़ी महोबा से न्यूज ब्यूरो संतोष कौशिक। अवैध खनन परिवहन का खेल रोकने का नाम नहीं ले रहा है। जनपद के अनुपजाव जंगली इलाके के भूगर्भ में दबी हुई लाल बालू की लूट के लिए यूं तो पूरा बुंदेलखंड बदनाम है, लेकिन अब महोबा भी अछूता नहीं रहा है। विकासखंड पनवाड़ी के कुलपहाड़ तहसील क्षेत्र के गांव सियोरी नगारा में मिट्टी के टीलों के नीचे से दबी बालू निकालकर बड़ी बड़ी मशीनों से ट्रक डंपरों में लोड करके पानी डालकर सफाई करने से ट्रकों से बहने वाले पानी से सड़कें बेजार हो रही है। कहने को तो निजी भूमि के ऊपरी तल पर पड़ी बालू को साफ कर जमीन को खेती योग्य बनाने के नाम पर प्रशासन ने बालू उत्खनन के अल्पकालीन पट्टे स्वीकृत किए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इसके विपरीत है। जंगलनुमा इलाके के टीलों में मौजूद पेड़ पौधों को धराशाही करके 30 से 50 फीट गहरे मिट्टी में दबी रेत को नियमों को तार तार कर रत्नगर्भा वसुंधरा का सीना छलनी किया जा रहा है। नियम के मुताबिक निजी भूमि में स्वीकृत पट्टों में ऊपरी सतह पर पड़ी भूमि को मानवश्रम से हटाकर खेती योग्य भूमि बनाए जाने का प्रावधान है, लेकिन अधिक मुनाफा की चाहत में खेत मालिक से माफियाओं की साठगांठ के चलते बड़ी बड़ी अर्थ मूविंग मशीनों से खनन का कार्य किया जा रहा है। हाल ही में कुछ तस्वीरें और वीडियो मौजा सियोरी के गाटा संख्या 520/2 एवं 521 जिसका क्षेत्रफल 1,22,000 हेक्टेयर है, जिसमें अनुज्ञापी धारक का नामक बंशीधर बताया जा रहा है, सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वहीं मिट्टी मिली बालू को पोकलैंड मशीनों से लोड करके ट्रकों में भरकर बीच सड़क पर पानी से धोकर ले जाते हुए दिखाया गया है, जिससे सड़कों पर पानी पानी भर जाने से सड़क गड्ढा युक्त हो गई है। वही सूत्रों से मिली जानकारी से बालू माफियाओं को सत्ता पक्ष का आशीर्वाद होने के चलते नहीं की जाती है प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई। वही आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कितने ओवरलोड ट्रकों की वजह से सियोटी से मसूदपुरा तिगला एवं मसूदपुरा तिगला से पनवाड़ी तक अभी 3 माह पहले बनी सड़क पूर्ण रूप जर्जर हो गई है, जिसकी ग्रामीणों के द्वारा लिखित एवं मौखिक शिकायत मीडिया के माध्यम से एवं जिला प्रशासन को कई बार दी गई है, मगर आज तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अवैध बालू खनन माफियाओं पर वही ओवरलोड ट्रकों से कई दुर्घटनाएं हो चुकी है, जिसकी सूचनाएं स्थानीय थाने एवं चौकी को दी गई, मगर उल्टा दरा धमका कर राजीनामा लिखवा दिया जाता है। ओवरलोड ट्रकों की आवाजाही की वजह से बच्चे समय से स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप देख रहे हैं BS लाइव न्यूज चैनल। खबर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।